वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपने कोर्स चैप्टर का सारा जो भी उसके कंटेंट्स हैं उसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर कंटेंट में हम देखने वाले हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। जैसा कि कोर्स में कई तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी, एसी, एफसी एंड एबीसी, और उसके अलावा एसी और एमसी के बीच में, फिर एबीसी और एमसी के बीच में, तो उन रिलेशनशिप्स को हम एक एक करके बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही वाइड तरीके से विद शेड्यूल एंड डायग्राम और एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब ये हमारा पहला रिलेशनशिप है जिसको बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। ये पहला है, ऐसा ऐसा तीन चार हैं। तो पहला रिलेशनशिप में आपको देखना है कि पहले तो आप देख लीजिए कर्व। आप चाहें तो शेड्यूल के थ्रू भी कर्व बना सकते हैं, और नहीं तो एग्जाम से बेसिकली कर्व ही पूछता है, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन मार्किंग, जो मैंने मार्किंग यहाँ पे किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ वाई, यहाँ एक्स, फिर यहाँ आउटपुट किसमें है, यूनिट्स में है, ये लिखाना। टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी जो भी आप इसमें अंदर बनाएंगे उसको यहाँ लेते हैं, टीसी, टीएफसी, टीवीसी रुपीज में। इकोनॉमिक्स में एक चीज याद रखने की जरूरत है, जो भी चीजें मॉनेटरी टर्म्स में होती है उसको हम वाई एक्सिस पर लेते हैं, बाकी जो यूनिट्स में होते हैं चीजें जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती हैं वो जनरली एक्स एक्सिस पे आती हैं। ऐसे करके आप डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं। मार्किंग करना बहुत जरूरी है, अभी सीखने का समय है तो सीख लीजिए मार्किंग कैसे होती है। ये नहीं कि बस डायग्राम बना दिया, आर्किंग मार्किंग का पता ही नहीं है, तो मार्किंग बहुत जरूरी है, मार्किंग करना बहुत जरूरी है। अब इसका शेड्यूल आप देख सकते हैं, जब आउटपुट आपका जीरो था तो टीवीसी जीरो था। जैसा कि हमको मालूम है कि जीरो जब प्रोडक्शन किया ही नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में आता रॉ मटेरियल। हम कोई सामान ही नहीं बनाए तो भाई वेरिएबल कॉस्ट किस चीज का लगेगा, नहीं लगा। लेकिन उस लेवल पे फिक्स कॉस्ट है जीरो पे, कैसे, क्योंकि आपने बिल्डिंग ली होगी, रेंट देना होगा, जो आपके एम्प्लॉयज होंगे परमानेंट उनको पैसा देना होगा, इंश्योरेंस अगर आपने लिया है तो उसका प्रीमियम देना होगा, इंटरेस्ट लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना होगा, ये सब तो देना ही पड़ता है, फिक्स कॉस्ट है। तो ये सब आपके रहेंगे जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी। तो इसीलिए आप देखेंगे जब टीसी निकलता है, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ देंगे आपका ये निकल जाएगा। दोनों के केस में यहाँ टीसी जो है 120 दिख रहा है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, लेकिन वो क्या है, वो है टीएफसी की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्योंकि जीरो है, तो ये याद रखने वाली चीज है कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर टीएफसी कुछ भी दिख रहा है, ये न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीएफसी का कोई भी वैल्यू है, वो किसका वैल्यू है, टीसी का वैल्यू है, ठीक है, टीसी का, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, टीसी और टीएफसी, ठीक है। टीवीसी जीरो लेवल पे जीरो ही होगा, ये या आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब बाकी आप देख लीजिए जैसे जैसे आउटपुट आपका बढ़ता है, 1 2 3 4 5, वैसे वैसे टीवीसी बढ़ रहा है, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, और जब दोनों को आप जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आपका निकल जाएगा। अब अगर डायग्राम की बात देखें तो डायग्राम में आपको मालूम ही होगा कि ये शेप को बोलते हैं इन्वर्टेड एस शेप, ठीक, यहाँ मैंने लिखा भी है इन्वर्टेड एस, और ये जो होता है ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो पहले मैंने एक एक, देखिए एक्सप्लेनेशन लिखने का भी सिंपल तरीका है, आप क्या करिए एक एक को पहले एक्सप्लेन कर दीजिए, टीएफसी क्या है, टीवीसी क्या है, टीसी क्या है, ठीक है, फिर दोनों के बीच में देख लीजिए तीनों में कौन से रिलेशनशिप हैं, पहले दोनों में, फिर हो सकता है तीनों में देख लीजिए, उसको लिख लीजिए, 3 4 लाइन, 5 लाइन बहुत है, उससे ज्यादा पूछता नहीं है। अभी क्या है, टीएफसी पैरेलल लिख दिया मैंने, उसका काम खत्म। टीवीसी लिख दिया इन्वर्टेड एस शेप होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, वो टीवीसी ओरिजिन से शुरू होता है क्योंकि जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे टीवीसी जीरो होता है, लेकिन टीसी भी इन्वर्टेड एस शेप है बट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ टीएफसी, यानी टीवीसी जो है वो भी है लेकिन वो कहाँ से शुरू होगा, टीएफसी से शुरू होगा, क्यों, क्योंकि टीएफसी, टीसी जो होता है टीसी में टीएफसी का पॉइंट जुड़ा होता है इसलिए। उसके अलावा देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी रिमेन्स पैरेलल ड्यू टू टीएफसी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आपको पूरा कॉन्स्टेंट दिख रहा है, यहाँ से कॉन्स्टेंट शुरू हुआ है कॉन्स्टेंट ही जाएगा क्योंकि ये इसका इन्वॉल्वमेंट इसमें है टीएफसी का, और टीएफसी का ये जो डिस्टेंस होता है यही डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए। अब कॉपी में बनाइए, परफेक्ट बनाइए, बोर्ड में मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है, ये परफेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए इतना, जितना और एक्स एक्सिस से टीएफसी के बीच का डिस्टेंस हो उतना ही डिस्टेंस इसके बीच में कैरी करेगा ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डायग्राम बनाने के समय, ये सब कोई बताता नहीं क्योंकि आप डायग्राम नॉर्मल ऐसे दिखा दिए, बच्चे कंफ्यूजन में है कि क्या ही हो रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि इसका जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर हो, ठीक है। फिर आपका एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, देखिए ये मैंने यहाँ अलग से लिख भी दिया एक्सप्लेनेशन में,
कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीसी क्या होगा, टीएफसी के बराबर। यहाँ भी देख लीजिए आप, टीसी टीएफसी और टीसी दोनों 120 है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, लेकिन टीबीसी क्या होगा, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीबीसी भी जीरो होगा। ठीक है, तो ये रही बात आपकी रिलेशनशिप बिटवीन टीसी टीबीसी एंड टीएफसी। एक चीज यहाँ और इम्पोर्टेंट थी जो मैंने यहाँ साइड में लिख दी है, ये टीसी और टीबीसी के केस में, ठीक है, इनिशियली डिक्रीजिंग रेट पे ये बढ़ता है, फिर कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगा और फाइनली इंक्रीजिंग रेट पे। देखिए इंक्रीज यहाँ से डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, धीरे धीरे यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कांस्टेंट होता है, फिर यहाँ से बहुत तेजी से बढ़ता है। एरो देख रहे हैं आप, ये धीरे धीरे ये कांस्टेंट, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये चीज का इसके एक्सप्लेनेशन में आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया ओरिजिन तक, आप उसमें जोड़ सकते हैं कि इनिशियली इट डिक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, देन कॉन्स्टेंट रेट, एंड फाइनली एट इंक्रीजिंग रेट। ये दोनों में आप जोड़ सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों का यहाँ एरो बना के लिख दिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे एसी एएफसी और एबीसी के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अगर यहाँ आप डायग्राम पे गौर करें तो शेड्यूल आप पहले देख लीजिए, एएफसी जो है निकलता है किससे, टीएफसी अपॉन क्यू से। ठीक है, टीएफसी अपॉन क्यू। एबीसी कैसे निकलता है, टीबीसी अपॉन क्यू, और एसी कैसे निकलता है, टीसी अपॉन क्यू। देखिए तीनों निकालने का फॉर्मूला सेम है, मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था किस तरीके से फॉर्मूलाज को आप खुद ही बना सकते हैं, तो ये तो तीनों उसी से निकल गया। अब जो भी हमने प्रीवियस में लिया था टीएफसी वही सेम है, यहाँ टीएफसी आपका 120 था, तो टीएफसी क्योंकि 120 है तो ये तीनों पे एक सब पे 120 होगा। ठीक है, ऐसा करके सब पे 120 ही होगा, उसके बेसिस पे ये निकाला गया है। ठीक है, पहले को आप 120 को 0 से करेंगे इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर 1 से करेंगे 120, 120 डिवाइडेड बाई 2 60, 120 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे करके हो जाएगा। उसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट निकाला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्राम का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें पहली बात तो मैंने पिछले में बताया था कि मार्किंग करना बहुत जरूरी है, जैसे ये सब मार्किंग्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वाई, यहाँ पे एक्स है ही लिखा हुआ, और ये आउटपुट ए एफ सी, ये सब मार्किंग होते हैं। कर्व आपको देख के लग रहा होगा कि ये आपका ए एफ सी कर्व है, यहाँ से ये वाला जो है एफ सी कर्व, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए मैंने दोबारा बना दी, ये आपका ए एफ सी कर्व ये वाला है। ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। एसी और एबीसी दोनों यू शेप्ड होते हैं। ठीक है, एसी और एबीसी के बीच का जो डिस्टेंस है वो बार बार कम हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ से डिस्टेंस बड़ा है, फिर धीरे 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 डिस्टेंस यहाँ पे कम होता चला जा रहा है। आने वाले समय में आपको ये लग सकता है कि हो सकता है दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एएफसी यहाँ पे कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, AFC नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, यहाँ मैंने लिखा भी हो गई, नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि TFC वहां पे क्या है, TFC होता है कांस्टेंट, और TFC कभी जीरो नहीं होता, कांस्टेंट के साथ साथ जीरो नहीं होता। ठीक है, जब जिससे वो निकल रहा है यानी AFC निकलता है TFC से, और TFC कभी जीरो हो ही नहीं सकता, जब वो जीरो नहीं होगा तो ये कभी भी जीरो होने का मतलब कोई कर्व, जैसे ये कर्व है, ये कर्व अगर इस लाइन को टच कर रहा है तो यहाँ पे हम मानते हैं कि ये आपका जीरो है, तो जब वो जीरो हो ही नहीं सकता तो एफसी भी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए ये बहुत क्लोज हो सकता है। आप कर्व देखेंगे बहुत क्लोजली तो ये बहुत ही क्लोज ऐसे जिक्र कैसे आपको दिख सकता है, लेकिन ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होता, इसका रीजन भी याद रखिएगा। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी बहुत क्लोज हो सकता है, लेकिन वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एएफसी उसमें इन्वॉल्व है। एसी में क्या होता है, एएफसी प्लस एबीसी होता है, हमने पढ़ा ना, एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी, इसलिए एएफसी का कंपोनेंट भी इसमें है तो वो जीरो नहीं हो सकता। उसके अलावा ये आपका रही बात एक्सप्लेनेशन के, जो मैंने बोला है वही सेम है, एसी यू शेप है, एबीसी यू शेप है, AFC कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, और द डिस्टेंस बिटवीन AC एंड ABC मिनिमाइजेस बट नेवर इंटरसेक्ट ड्यू टू AFC। ठीक है, यही हमने समझा। यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट, ABC का मिनिमम पॉइंट पहले पड़ता है, AC का मिनिमम पॉइंट बाद में पड़ता है। क्यों, क्योंकि पहले ही ये मिनिमम हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल का जो होता है, जो आपके फिक्स कॉस्ट होता है, AC में फिक्स कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, तो फिक्स कॉस्ट कभी जीरो होता नहीं, कम होता नहीं, हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए उसका मिनिमम पॉइंट थोड़ी देर बाद आता है, एबीसी का पहले ही आ जाता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट एक समय के बाद कम हो जाता है इसलिए वो पहले ही आ जाता है। ठीक है, ये पूरा हमारा रहा एसी एफसी एबीसी का। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा
रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी और रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी एंड एमसी। यहाँ मैंने दोनों को एक ही साथ लिख दिया है बोर्ड पे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इजी है और दोनों लगभग सिमिलर है, इसीलिए मैंने दोनों को एक ही जगह पर लिख दिया है। यहाँ पे करना क्या है वो समझिए। सबसे पहले आप एसी डायग्राम बना देंगे। एसी और एबीसी के डायग्राम में आपको फर्क समझ में आ रहा होगा, एसी ऊपर से बनता है, एबीसी थोड़ा और डाउनवर्ड्स से होके फिर स्लोपिंग दिखा के फिर वो राइजिंग अपवर्ड होता है। यहाँ बेसिकली व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज एक्सप्लेनेशन पार्ट। देखिए एक्सप्लेनेशन पार्ट में आपको एमसी को टारगेट रखना है। जैसे एमसी को पहले दिखा दिया कि एमसी क्या है, एसी से कम है, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को आप बेसिस रखिए, यहाँ से दिखाइए ये कर्व ऊपर है ये नीचे है, तो हम मानते हैं कि एमसी जो है वो नीचे है, लेस है एसी से। जब एमसी एसी से लेस है तो एसी क्या कर रहा है, एसी फॉल कर रहा है। देखिए इस जगह की बात हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। जब एमसी और एसी दोनों बराबर हैं, कहाँ पे, व्हेन एमसी इज इक्वल टू एसी, एसी इज मिनिमम, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं एट पॉइंट ई। कौन से पॉइंट पे, ई पॉइंट पे क्या होगा, दोनों बराबर हैं लेकिन वहां पे एसी जो है वो मिनिमम है। फिर आप इसी पॉइंट के ऊपर की बात कर लीजिए। अब देखिए एमसी कर्व यहाँ ऊपर हो जा रहा है, एसी कर्व नीचे, इसका मतलब एमसी इज ग्रेटर देन एसी, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है। जब एमसी एसी से बड़ा होगा तो एसी क्या करेगा, यहाँ से बढ़ रहा है, यानी टारगेट आपको रखना है इस पॉइंट को, इस पॉइंट के एट। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर पॉइंट ई, ठीक, एट पॉइंट ई और आफ्टर पॉइंट ई, ऐसे भी लिख सकते हैं। बिफोर पॉइंट ई अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बिफोर पॉइंट ई में आपका हो जाएगा यही सेम लाइन, बिफोर पॉइंट पॉइंट ई क्या लिखेंगे, एमसी इज लेस देन एसी एंड एसी फॉल्स, एट पॉइंट ई एमसी इज इक्वल टू एसी एंड एसी इज मिनिमम, आफ्टर पॉइंट ई एमसी इज ग्रेटर देन एसी एंड एसी इंक्रीजेस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके में से कोई भी एक्सप्लेनेशन का मेथड आप चूज कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन यू। अब इधर देखें, अगर एसी और एबीसी और एमसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सेम ही है, डायग्राम भी सेम है, बशर्ते यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि एबीसी का जो मिनिमम होता है वो पहले हो जाता है और एसी का मिनिमम बाद में होता है। क्यों, क्योंकि एसी में एएफसी भी जुड़ा होता है जो कभी जीरो नहीं होता, इसलिए उसका मिनिमम थोड़ी देर बाद होता है। अब यहाँ भी देखिए एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, केवल आपने एसी के जगह बीच में वी जोड़ देना है, एबीसी, देखिए कुछ नहीं किया है मैंने, यहाँ यहाँ खाली बस वी जोड़ा, पूरा सब कुछ सेम है। यहाँ डायग्राम भी आप चाहें तो, क्योंकि दोनों डायग्राम बगल में है इसलिए आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, दोनों साथ में रहेगा तो ये डायग्राम भी बिल्कुल सिंगल दिखेगा, बस यहाँ वी जोड़ देना है, बस सेम वही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि डायग्राम का स्ट्रक्चर भी सेम है, एसी और एबीसी यू शेप होते हैं, एमसी वही आपका साइन की तरह दिख रहा है, स्टार्टिंग में डिक्रीज करके बढ़ता है, तो दोनों का सेम ही है, तो दोनों के एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे सेम है। एक रिलेशनशिप हम और देखते हैं अभी, ठीक है, इसको तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बढ़िया से। एक रिलेशनशिप हम और देखते हैं, एसी एएफसी और एबीसी साथ में एमसी, बहुत ही ये आसान है, इसमें इसमें और कुछ नहीं करना है। रिलेशनशिप देखिए देखना रहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन एसी एएफसी एबीसी एंड एमसी, सबका रिलेशनशिप एक साथ देखना है। एमसी का कर्व मैंने बनाया नहीं, ये डायग्राम क्योंकि आप पहले भी देख चुके हैं इसलिए मैंने इसको दोबारा बना दिया है। एमसी बनाना कैसे वो समझना होगा, इसका जो लोअर पॉइंट है और इसका जो लोअर पॉइंट है, एमसी इन दोनों को क्रॉस करते हुए नीचे आता है, ये इसीलिए मैंने इसको डायग्राम को रोका था। अब आप क्या करेंगे, एमसी का जो भी कर्व बनाएंगे वो इस तरीके से लोअर पॉइंट पे क्रॉस करते हुए ये ऐसे बन जाएगा एमसी, ठीक, तभी ये तीनों का रिलेशनशिप होगा। अब चाहे तो, अब तो चार हो गए, नहीं तो तीन भी बनाते हैं लोग, एसी और एसी एबीसी और एमसी का ही बेसिकली बनाते हैं, एएफसी का उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता क्योंकि इन दोनों के लोअर पॉइंट्स ये टच करते हुए जाता है, इसलिए इन दोनों का ही हम दिखाना होता है। देखिए एक्सप्लेनेशन पार्ट की अगर बात कहें तो हम, इट इज सिमिलर टू दी प्रीवियस पार्ट, जो प्रीवियस में हमने देखा था एसी और एबीसी के बारे में, अभी जस्ट जो देखा है, और एसी और एबीसी और एमसी के बारे में, और एसी और एमसी के बारे में सेम ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, जिसमें पहला आपका है वही सेम चीज, एमसी अगर एसी से लेस रहता है, एसी और एबीसी दोनों से कम रहता है, जैसे इस केस में एमसी इन दोनों से छोटा है, तो इस केस में क्या होगा, एसी और एबीसी दोनों गिर रहे हैं, दोनों फॉल करते हैं। व्हेन एमसी इज इक्वल टू एसी एंड एबीसी, जब एमसी दोनों के बराबर होगा, यानी एट पॉइंट ई एफ एंड ई बोथ पॉइंट, तो इस केस में क्या होगा, एसी एंड एबीसी आर मिनिमम, और जब एमसी बड़ा होगा किससे, एसी और एबीसी से, यहाँ एमसी बड़ा है इन दोनों से, तो इस केस में क्या होगा, बोथ इंक्रीजेस, देखिए दोनों बढ़ रहे हैं इस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट के बाद ये भी बढ़ रहा है, इस पॉइंट के बाद ये भी बढ़ रहा है, तो दोनों को कंबाइंड करके ही लिख दिया गया है। एक्सप्लेनेशन सिंपल करने के लिए दोनों कंबाइंड मैंने कर दिया है। अब ये हमारा रिलेशनशिप का जो पार्ट था ये खत्म हो गया,
अब हमको देखना न्यूमेरिकल्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि होगा पार्ट नंबर, ये थर्ड था वो पार्ट नंबर हो जाएगा फोर्थ। तो पार्ट फोर्थ बेसिकली डिस्क्राइब्स अबाउट दी न्यूमेरिकल पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं। तो आई होप कि आप लोग उस पार्ट को जरूर देखिएगा, न्यूमेरिकल्स आपके जो रहेंगे वो इजी ट्रिक के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।